दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे गुंटूर कारम के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में नजर आए थे। उनके अलावा इस फिल्म में श्रीलीला, मीनाक्षी चौधरी, जगपति बाबू, रम्या कृष्णन, जयराम, प्रकाश राज, राव रमेश, ईश्वरी राव और मुरली शर्मा भी नजर आए थे। इस फिल्म को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की अलव वैकंठ पुरमुल्लु और जूनियर एनटीआर की अरविंद मेहता को डायरेक्ट किया था। बात करें स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1800 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था, तो ओवरसीज में लगभग 900 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 2700 स्क्रीन के साथ 12 जनवरी 2024 में रिलीज किया गया था। बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 50 करोड़ 30 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 78 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 117 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 134 करोड़ का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था, तो ओवरसीज में तकरीबन 30 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने लगभग 190 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 132 करोड़ था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में एवरेज साबित हुई थी। बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.6 रेटिंग मिले। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया है तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।